दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल बीरू के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का लास्ट तक जरूर बना रहे। अब अगर बात करते हैं जहाँ पे बिग बैश लीग सीजन 13 स्टार्ट हो चुका है, तो बात करते हैं मैच नंबर 5 की जो कि खेला जाएगा सिडनी सिक्सर वर्सेज हॉवर्ड हुरिकेन्स के बीच में। सिडनी सिक्सर ने जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पहले मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स को 8 रन से हराया। वहीं हॉवर्ड का यह पहला मैच होगा। यह मैच नॉर्थ टेस्मेनिया क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच बहुत स्लो है, फास्ट बॉलर को पिच से हेल्प नहीं मिलेगा, स्पिनर यहाँ पे कमाल कर सकते हैं। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 41% रहेगा, टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हॉवर्ड हुरिकेन 6 मैच जीत के आ रही थी, सिडनी सिक्सर 4 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं हॉवर्ड हुरिकेन्स का स्क्वाड एनालिसिस करते हैं, तो पिछले सीजन में हॉवर्ड ने 6th प्लेस पे था। हॉवर्ड का फ्रेंचाइजी एक स्ट्रॉन्ग विविल तेरा सीजन के लिए बेताब होगी, क्योंकि टीम आज तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई। टीम डेविड बेस्ट टॉप परफॉर्मेंस है, उन्होंने 39.33 की एवरेज से 354 रन बनाए, लेकिन हुरिकेन्स का कोई भी प्लेयर टॉप 10 में नहीं था। रिले मेरेडिथ बॉल से टीम का लीड किया है, 21 विकेट लेकर 6th स्थान पर है। पूरे टूर्नामेंट में उनका एवरेज 21.23 का रहा, जबकि पैडली जोली भी टॉप परफॉर्मेंस है। लेफ्ट आर्म स्पिनर बीबेल तेरा में 19 विकेट लिए हैं। हॉवर्ड के लेग स्पिनर पीटर होडलू ने टीम में ऐड किया गया। यह रिस्ट स्पिनर डॉली के साथ खतरनाक T20 जोड़ी बना सकते हैं। बॉलम जहां पे लियाम गुथरी है, निखिल चौधरी टीम को ऐड किया गया। बैटिंग में सैम हेजलवुड को भी क्वालिफाई कॉन्टैक्ट किया गया। मैथ्यू वेट टीम का एक्सपेक्टर प्रूव हो सकते हैं। टीम की कैप्टेंसी फास्ट बॉलर नाथन एलियस को दी गई है। ऑलराउंडर की बात करें तो कोरे एडर्सन जो टीम में शामिल हुए हैं। अगर की प्लेयर की बात की जाए तो नाथन एलियस है, मैथ्यू वेट और टीम डेविड है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम सिडनी सिक्सर का स्क्वाड एनालिसिस करते हैं, तो सिडनी सिक्सर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज कर दिया। टीम के ओपनर की बात करें तो जॉर्ज फिलिप एंड स्टीव स्मिथ लास्ट मैच में अच्छा स्टार्ट किया। नंबर 3 पर जेम्स मिंस जो फ्लॉप थे। टीम के कैप्टन मॉइस एनिंग लास्ट मैच में 40 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो जॉर्डन सिल टीम को स्टेबल करते हैं। ऑलराउंडर टॉम करन टीम के एक्स फैक्टर हैं। टीम की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। फास्ट बॉलिंग अटैक में बात करें तो जहां पर जैक्सन है, एवॉर्ड बेन डॉर्सिस है। बेन ने लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे। बॉलिंग यूनिट में जहां पे सीन एवॉर्ड है, टॉम करन है, टीम को लीड करेंगे। एवॉर्ड ने पिछले सीजन 15 मैचों में 29 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें तो स्टीव कैफ है। हवा की बात करते हैं चलते की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे स्टीव स्मिथ है, सीन एवॉर्ड है और टॉम करन है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया। हवा के बढ़ते चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग, तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर सिडनी सिक्सर होगा, क्योंकि सिडनी सिक्सर की परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी देखने को लग रही है। यहाँ पे हॉवर्ड हुरिकेन्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।